दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपका बाथरूम, अगर आपका टॉयलेट साउथ ईस्ट यानी कि अग्नेय कोण में आ रहा है दोस्तों, तो ये कितना हानिकारक हो सकता है दोस्तों। और दूसरा हम जानेंगे इसकी रेमेडीज। दोस्तों अगर आपका भी टॉयलेट अग्नेय कोण में आ रहा है, साउथ ईस्ट यानी कि फायर कॉर्नर में आ रहा है दोस्तों, सतर्क हो जाइए, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आग और पानी दुश्मन है दोस्तों। और अगर आग की जगह पे आप पानी को रख देंगे तो आपके घर में जाहिर सी बात है झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले फैमिली में झगड़े होंगे, फिर धीरे धीरे वो झगड़े बढ़ते हुए फ्रेंड्स में जाएंगे, और फिर वो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालना शुरू करेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई टॉयलेट बन रहा है तो आपके कोर्ट केस चलें। कोर्ट केस में आपको हार का सामना करना पड़े दोस्तों, आप हार सकते हैं कोर्ट केस अगर आपके कोर्ट केस चल रहे हैं साउथ ईस्ट के टॉयलेट की वजह से दोस्तों। तो इसीलिए ध्यान करें दोस्तों, अगर आपके भी अग्नि कोण में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है तो आज ही उसका इलाज कर ले दोस्तों। आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब भी अग्नेय कोण में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट आ रहा है तो उसमें ध्यान करेंगे इंटीरियर का, इंटीरियर कैसा कैसा है। आपकी जो टॉयलेट सीट है वो हमेशा साउथ वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे होनी चाहिए। दक्षिण वाली दीवार पे या तो आपकी टॉयलेट सीट लगी होनी चाहिए या उत्तर वाली दीवार पे आपके टॉयलेट सीट लगी होनी चाहिए दोस्तों। सेकेंड चीज आती है दोस्तों वॉश बेसिन। आपके टॉयलेट में वॉश बेसिन कहाँ आ रहा है दोस्तों? वॉश बेसन और मिरर दोनों चीज साथ साथ आती है। नीचे वॉश बेसन होता है, उसी के ऊपर मिरर लगाते हैं हम, और मिरर एक वास्तु में रेमेडी की तरह इस्तेमाल होने वाली चीज है। इसीलिए अगर आपका मिरर और वॉश बेसन गलत दिशा में आएगा, दक्षिण या पश्चिम की दीवार पे अगर वॉश बेसन या मिरर जाएगा तो यह आपको बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है दोस्तों। आपका वॉश बेसन और मिरर साउथ और वेस्ट वॉल पे कभी नहीं होना चाहिए। आपका वॉश बेसन और मिरर नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे आना चाहिए। या तो उत्तर की दीवार पे आपका वॉश बेसन और मिरर आएगा या पूर्व की दीवार पे आपका वॉश बेसन और मिरर आना चाहिए दोस्तों। तीसरी चीज आती है आपके बाथरूम में, जो आपको चेक करनी है वो है नहाने के टैप्स, जो नल आ रहे हैं दोस्तों, शार आ रहा है, ये कौन सी दीवार पे आ रहा है। ये भी वास्तु के हिसाब से दोस्तों उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में आना चाहिए। ये इंटीरियर आप अपने बाथरूम में चेक करेंगे दोस्तों। उसके बाद अगली चीज आपको चेक करनी है, आपको अपने बाथरूम का पेंट चेक करना है, कलर कॉम्बिनेशन चेक करना है दोस्तों। ये कभी भी एंटी वास्तु नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है दोस्तों, फायर कॉर्नर है, यहाँ पे आपको क्योंकि टॉयलेट बन रहा है इसीलिए आपको यहाँ पे न्यूट्रल कलर का इस्तेमाल करना है। न्यूट्रल कलर कौन से होंगे? व्हाइट होगा, क्रीम होगा या कोई भी हल्के शेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ब्लू, ग्रीन, इस तरीके के कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। हल्का सा ऑरेंज का, येलो का, ये टोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट और क्रीम के साथ दोस्तों। अगर आपके टॉयलेट में ये इनके अलावा कोई भी कलर इस्तेमाल कर रखा है, ग्रे इस्तेमाल कर रखा है, ब्लैक इस्तेमाल कर रखा है, गोल्डन इस्तेमाल कर रखा है दोस्तों, वो गलत है। वास्तु के हिसाब से आपको रेमेडी करनी चाहिए इसकी। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों, बाथरूम में लाइटिंग। दोस्तों आपके बाथरूम में क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में आ रहा है, तो लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि लाइट से पॉजिटिविटी बढ़ती है। लाइट से अगर किसी भी जगह पे आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर उसका ऑरा, उस जगह का ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। लाइट से पॉजिटिविटी बढ़ती है दोस्तों। जितनी ज्यादा कम लाइट होगी, जितना ज्यादा येल्लो लाइट होगी, उतना ज्यादा उस जगह का ऑरा नेगेटिव होता जाएगा, उस जगह का ऑरा डल होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस जगह का ऑरा सुधरे तो आपको व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए या नेचुरल व्हाइट लाइट आती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि व्हाइट और येलो के बीच की कुछ लाइट होती है। येलो लाइट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना अग्नि कोण के टॉयलेट में दोस्तों। और मिनिमम 200 लक्स आपका लाइट होनी चाहिए किसी भी टॉयलेट के अंदर, 200 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों। और अग्नि कोण में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो 200 से 500 के बीच में आपको लाइट रखनी ही है उस टॉयलेट के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों टॉयलेट में रेमेडी क्या करनी है आपको। सबसे पहली रेमेडी आपको करनी है दोस्तों, आपको वहां पे रखना है समुद्री नमक।
सी सॉल्ट आपको रखना है दोस्तों, कोई और सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करना, सेंधा नमक और आपका एक रॉक सॉल्ट आता है, बहुत सारी तरीके, लाहौरी नमक आता है दोस्तों, ये सब आपको इस्तेमाल नहीं करना, आपको समुद्री नमक का इस्तेमाल करना है अपने टॉयलेट में। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल, कांच की कटोरी लेंगे दोस्तों, उसमें एक एक चम्मच के करीब नमक डाल के रख देंगे और ये आपको 6 से 8 दिन के अंदर अंदर चेंज करना है दोस्तों। 6 से 8 दिन बाद जैसे ही आप उस नमक को निकालेंगे, एक आधी बाल्टी पानी में उस नमक को घोल लीजिए और उस टॉयलेट को धोने में इस्तेमाल कर लीजिए। फिर दोबारा से उस बाउल को रिफिल करके रख दीजिए, 6 से 8 दिन में आप उसको दोबारा चेंज कीजिए। ये रेमेडी आपको करते रहना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रेमेडी आपको करनी है, आपको इस्तेमाल करना है उस टॉयलेट के अंदर येलो स्ट्रिप का। दोस्तों आपको येलो स्ट्रिप लगानी है डोर के नीचे, 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी आप लगाएंगे। पेंट आप यूज कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई स्टोन यूज कर सकते हैं, पत्थर बहुत आराम से मिल जाता है, मार्बल मिल जाता है, ग्रेनाइट मिल जाता है, येलो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई टाइल यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर की टाइल मिल जाती हैं, तो येलो टाइल आप ले लेंगे, येलो टाइल आप यूज करेंगे अपने डोर के नीचे दोस्तों। जमीन पे आपको लगानी है 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी, चौखट के कोने से दूसरे कोने तक दोस्तों, जितने भी दरवाजे उस बाथरूम में है उन सबके नीचे आपको ये रेमेडी करनी है दोस्तों। अगली रेमेडी आपको करनी है दोस्तों, आपको उस टॉयलेट में स्पाइडर प्लांट या स्नेक प्लांट आपको इस्तेमाल करना है, रखना है आपको दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि एक दो बार आपका पेड़ ना चले, सूख जाए दोस्तों, उसमें दूसरा प्लांट आप लाके लगा दीजिए, वो पेड़ एक दो बार में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे टॉयलेट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे नेगेटिविटी कम होगी वैसे वैसे आपका प्लांट चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए अगर एक दो बार आपका प्लांट ना चले, सूख जाए, तो परेशान ना हो, रेमेडी को दोबारा रिपीट करें दोस्तों। उसके बाद लास्ट रेमेडी आपको करनी है दोस्तों, आपको व्हाइट कलर के या क्रीम कलर के या येलो कलर के या ऑरेंज कलर के टम्बल स्टोन इस्तेमाल करने हैं। 21 पीसेज आपको लेने हैं, मिक्स टम्बल स्टोन आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट में किसी भी गिफ्ट गैलरी पे आपको टम्बल स्टोन बड़े इजीली मिल जाते हैं, या कोई वास्तुशास्त्र की दुकान है जो वास्तु का सामान रखते हैं, फेंगशुई का सामान रखते हैं, उनके पास भी ये टम्बल स्टोन बड़े आराम से उपलब्ध होते हैं दोस्तों। व्हाइट कलर के, क्रीम कलर के, येलो कलर के, ऑरेंजिश कलर के आप टम्बल स्टोन ले सकते हैं, मिक्स ले लेंगे, और ये टम्बल स्टोन दोस्तों आपको एक क्रिस्टल के बाउल में रख के अपने टॉयलेट में रख देने हैं। हर महीने इनको अच्छे से टम्बल स्टोन्स को भी वॉश करना है और बाउल को भी वॉश करना है, और सुखा के दोबारा वहीं पे रख देंगे दोस्तों। ये रेमेडी आपको इस्तेमाल करनी है अपने टॉयलेट का 100% डिफेक्ट, साउथ ईस्ट में जो आपका टॉयलेट है उसका 100% डिफेक्ट खत्म करने के लिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी रेमेडीज की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।